जय हिंद गाइस। रतन टाटा सर तो नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप का इस देश में आगे भी ऐसा ही योगदान होता रहेगा, क्योंकि यह सिस्टम इन्होंने बनाकर गए हैं गाइस। टाटा ग्रुप में जो बड़े बड़े टाटा पहले भी थे, जो कि इनके पूर्वज, उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है कि देश को हमेशा आने वाले समय में बेनिफिट होने वाला है, हमारा देश इससे ग्रो होने वाला है गाइस। क्योंकि टाटा ग्रुप जितना टोटल इनकम करता है, उसका 66% चैरिटी में जो कि डोनेट करता है, जो कि आम लोगों के लिए जो कि हेल्पफुल होता है, और चाहे फिर मेडिकल के रूप में हो या दवाई के रूप में हो या और भी किसी सिस्टम से गरीबों के लिए पैसा जो कि जाता है और उनका यहाँ पर उद्धार होता है गाइस। तो अभी बात यह है कि टाटा रतन टाटा सर तो नहीं रहे, लेकिन इस टाटा ट्रस्ट को अब चला गया कौन? तो गाइस टाटा ट्रस्ट को कई सारे सदस्य होते हैं, लेकिन अभी एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है कि टाटा ग्रुप्स की अब नई कमान नोएल टाटा सर संभाल सकते हैं, जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बन सकते हैं आने वाले समय में गाइस। जो कि टाटा ट्रस्ट तो वैसे कोई एक पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें काफ़ी सदस्य होते हैं जो टाटा ट्रस्ट के अंदर आते हैं गाइस, और ये चेंज हो जाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टाटा ट्रस्ट 66% यहाँ पर हिस्सेदारी है टाटा ट्रस्ट की, जैसे कि एक प्रकार का यह मालिक टाटा ट्रस्ट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे किसका नाम आ रहा है, तो जैसे ओनर की बात करेंगे मुकेश अंबानी 51%, मतलब ये है मालिक। वहाँ पर देखेंगे तो टाटा ट्रस्ट का नाम आ रहा है, तो टाटा ट्रस्ट ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। रिलायंस इंडस्ट्री में देखेंगे गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कि अनिल अंबानी 55.564% जो हिस्सेदारी यहाँ पर आई है, और वही टाटा ट्रस्ट के अंदर देखेंगे 66% जो को ओनर है। टाटा ट्रस्ट किसी पर्सनल किसी की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, जो कि इसमें कई सारे सदस्य होते हैं जो कि उनको यहाँ पर पेमेंट दी जाती है और इस ट्रस्ट में जुड़ते हैं, और फिर ये चेंज भी होते रहते हैं। तो अभी के जो न्यूज यही है गाइस कि अभी फिलहाल नोएल टाटा जी को यहाँ पर टाटा ट्रस्ट का जो कि पद संभालने के लिए दिया गया है, जो कि यही इनके कर्ता धरता होंगे, और भी कई कंपनी के ओनर भी हैं ये, इनका नाम भी है जैसे टाटा स्टील और भी कई कंपनियों के नाम हैं इनका, जो कि आने वाले समय में ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, और जो कि आगे देश को प्रगति पर ले जाने का ये काम कर सकते हैं गाइस। तो काफ़ी अच्छा है कि अभी नेक्स्ट कमान हमारे नेक्स्ट नवल टाटा सर संभालने जा रहे हैं, और गाइस जो कि इनको अप्रूव करने वाला है टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट के यहाँ पर सदस्य हैं, जो कि वो सब लोगों ने मिल करके नवल टाटा सर को यहाँ पर अप्रूव किया है और इनको यहाँ पर सदस्य बनाया है, जो कि इसमें यह नियम होता है और यह सिस्टम होता है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है गाइस।